Assalamu alaikum, welcome students, first year class. Today is our 7th lecture of chapter 1, which is Basics of Information Technology. And I am Mr. Aziz Sajid, lecturer in Computer Science, DPS and College, Kasool. In today's lecture, we are going to cover the topics which are input and output devices, which is already continued from previous lectures. And a subheading is output devices. Input devices complete ho chuka hai last chapter mein. Ab humne output devices start kiya tha. Usko aage further dekhenge. Iske saath output devices ka ek aur sub topic hoga. Printers ki ek type hai. Impact printer. The students dekhte hain. Input and output devices. Basics of information technology. Output devices ka topic start ho chuka hai. इसमें हम स्क्रीन्स की डिस्कशन कर रहे थे लास्ट चैप्टर में. लास्ट लेक्चर में स्क्रीन्स की डिस्कशन हो रही थी. उसके जो स्क्रीन्स में डिफरेंस होते हैं उनकी टाइप्स पे बात की गई थी कि उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो साइज़ की वजह से, कलर की वजह से, रेजोल्यूशन की वजह से, इन चीज़ों की वजह से, और एक VGA ग्राफिक्स एरे जिसको हम वीडियो ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, इसकी वजह से डिफरेंस होते हैं. वही टॉपिक अभी कंटिन्यूड है. टाइप्स ऑफ स्क्रीन इसको देखते हैं. डिस्प्ले स्क्रीन्स आर ऑफ टू टाइप्स विच आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड फ्लैट पैनल डिस्प्लेस. स्क्रीन के डिस्प्ले के लिहाज से उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है. मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से कि वो दिखने में जिस लिहाज से नज़र आते हैं उस हिसाब से उसके दो कैटेगरीज बनाई गई हैं. उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी अभी हम देखेंगे. एक कैथोड रे ट्यूब्स है और एक फ्लैट पैनल डिस्प्लेस है. कैथोड रे ट्यूब्स अब रिलेटिवली कम इस्तेमाल में होती हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्लेस ज़्यादा होते हैं. जी, CRT कैथोड रे ट्यूब्स. कैथोड रे ट्यूब इज़ अ वैक्यूम ट्यूब यूज्ड एज अ डिस्प्ले स्क्रीन इन अ कंप्यूटर और वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल. The same technology may be found in TVs and airport flight information monitors. Cathode ray tube actually एक vacuum tube होती है. उसका internal structure अभी हम discuss करेंगे. ये screen के पीछे vacuum tube place कर दी जाती है जो system से आने वाले electrical signals को एक beam की सूरत में monitors की screen पे inside बम्बार करती है, थ्रो करती है, और उसकी वजह से इमेज फॉर्म होते हैं. इसके भी हम डिटेल देखते हैं. ये अगर आप देखें तो ये टेलीविज़न की बैक साइड अगर आप देखें तो थोड़ी सी बड़ी हुई होती है क्योंकि इसके पीछे कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, CRTs लगी होती हैं. इस वजह से इनकी शेप इस तरह से बनी होती है. ये मोनीटर है, इसके भी बैक साइड पर अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी होती है जिसमें उन्होंने कैथोड रे ट्यूब अटैच की होती है. ये एयरपोर्ट्स की फ़्लाइट इंफॉर्मेशन के मॉनिटर्स हैं, इनके भी बैक साइड पे CRTs लगी होती हैं. लेकिन इनका थोड़ा सा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि एक तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग की पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की और वैसे भी, और दूसरा ये स्पेस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं. इसलिए अब इनके जो यूसेज है वो कम से कम होता जा रहा है, एक कॉस्ट की वजह से और दूसरा स्पेस की वजह से. आगे देखते हैं. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जी, CRT स्ट्रक्चर, कैथोड रे ट्यूब का स्ट्रक्चर क्या होता है इस पर थोड़ी सी डिटेल देखते हैं. अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स डिफाइनिंग इमेज इज सेंट फ्रॉम द CPU टू द CRT's इलेक्ट्रॉन गन. एक बिट्स की स्ट्रीम जो है वो सिस्टम या CPU जिन बिट्स से इमेज बनना है उसकी एक स्ट्रीम जो है CRT इलेक्ट्रॉन गन को ट्रांसफ़र कर दी जाती है सिस्टम की तरफ से. वेयर द बिट्स आर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स. जिस तरतीब से वो बिट्स आते हैं, जिस स्ट्रीम में वो आ रहे होते हैं, उनको उसी तरतीब से या उन्हीं स्ट्रीम के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. द इनसाइड ऑफ द फ्रंट ऑफ CRT स्क्रीन इज कोटेड विद फॉस्फोर. जो CRT स्क्रीन के अंदर की तरफ जो स्क्रीन होती है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आप उसकी फ्रंट स्क्रीन देख रहे होते हैं, उसके इनसाइड जो पार्ट होता है उसको फॉस्फोर से कोटेड कर दिया जाता है. उस पर फॉस्फोर का
पेंट कर दिया जाता है स्क्रीन के अंदर की तरफ। व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन डिफ्लेक्टेड थ्रू योक हिट्स द फॉस्फोर, इट लाइट्स अप सिलेक्टेड पिक्सल्स टू जनरेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन। जब सीआरटी जो ट्यूब है उससे बीम, इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम है वो थ्रो की जाती है स्क्रीन के इनसाइड। एक योक एक पार्ट है जिसके जरिए उस बीम को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है। डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि स्क्रीन के किस हिस्से पे वो इलेक्ट्रॉन बीम थ्रो करवानी है और किस वक्त करवानी है। तो जब वो फॉस्फोर को अंदर से हिट करती है उस वक्त फॉस्फोर के वो वाले पिक्सल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही है वो वाले पिक्सल्स या वो वाले पार्ट्स होते हैं वो लाइट अप हो जाते हैं। लाइट अप एक खास कलर की सूरत में होते हैं, इस वजह से स्क्रीन पे उसका इमेज ड्रा हो जाता है जो आपको फ्रंट साइड पे नजर आ रहा होता है। इसको दोबारा देखते हैं जी। इसके आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखें, ये बैक साइड पे इसके कनेक्टर पिन्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल पोर्टल से अटैच कर दी जाती हैं जहाँ से बिट्स ऑफ स्ट्रीम इसको रिसीव होनी है सीआरटी को। यहाँ से रिसीव होके ये बेस है जो अटैच कर रही होती है इलेक्ट्रॉन गन को कनेक्टर पिन्स के साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन इन यहाँ से आने वाले बिट्स को या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट कर रही होती है। इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आगे ये कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज बना हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसमें से स्पेसिफाइड वोल्टेज को आगे जाने देता है, बाकियों को यहीं पे रोक लेता है। इसके बाद आगे ये फोकसिंग सिस्टम है। फोकसिंग सिस्टम का काम यह है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम को एक तो उसकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली स्ट्रेट रखे, दूसरा स्क्रीन के किस पार्ट पे किस वक्त कौन सी इलेक्ट्रॉन बीम के पार्ट्स थ्रो करने हैं उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे होती है। इसके आगे अगर आप देखें तो एक्स डिफ्लेक्ट है और वाई डिफ्लेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का मतलब कि यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट आ रही है, उसके बाद आगे स्क्रीन पे डिसीजन लेना होता है कि किस जगह पे किस वक्त कितनी इलेक्ट्रॉन बीम्स या कितने इलेक्ट्रॉन के जो सिग्नल्स हैं वो थ्रो करने हैं स्क्रीन के इनसाइड पे। तो वो यहाँ से उसकी कैलकुलेशन हो रही होती है, यहाँ से ही कंट्रोल किया जाता है और पूरी स्क्रीन पे जिस वक्त जो भी बीम जिस वक्त जिस पार्ट पे थ्रो करनी होती है वो उस पार्ट पे थ्रो होती है, और फास्फोर जो इनसाइड होता है वो उसके अकॉर्डिंगली लाइट अप होके उसकी कलर स्कीम बनाता है। वही कलर स्क्रीन जो है स्क्रीन के फ्रंट एंड पे आपको टेक्स्ट की सूरत में या इमेज की सूरत में या पिक्चर की सूरत में दिखाई दे रही होती है। तो ये टोटल प्रोसेसिंग कैथोड ट्यूब की है। इसको अगर आप दोबारा डिस्कस करना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में जी अभी हम देख रहे थे सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। दूसरी कैटेगरी हमने देखी थी फ्लैट पैनल डिस्प्लेस। फ्लैट पैनल डिस्प्लेस आर मच थिनर, वेटलेस एंड कंज्यूम लेस पावर देन सीआरटी। एक तो ये स्पेस कम लेते हैं, थिनर होते हैं, वेटलेस, इनका वजन भी सीआरटीज की निस्बत ना होने के बराबर होता है, और तीसरा ये इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत कम कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर कम कंज्यूम करने से ये जो रेगुलर कॉस्ट है वो भी बहुत कम पड़ती है, और ये स्पेस भी कम लेते हैं और वेटलेस भी होते हैं, इसीलिए सीआरटी की निस्बत फ्लैट पैनल डिस्प्लेज अब ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। बेटर फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। पोर्टेबल कंप्यूटर्स से मुराद है ऐसे सिस्टम्स जिनको आपने एक ही जगह पे नहीं रखना, जिनको आपने मूव करते रहना है, जैसे कि लैपटॉप्स होते हैं, आपके मोबाइल फोन्स होते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं जिनको आप मूव करते रहते हैं उनको पोर्टेबल कहते हैं। तो लैपटॉप्स वगैरह के लिए जो है एलसीडी बेटर है। दीज डिस्प्लेज आर मेड अप ऑफ टू प्लेट्स ऑफ ग्लास विद अ सबस्टांस इन बिटवीन देम। ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं ये डबल प्लेट होती है ग्लास की, जिसके दरम्यान में एक खास किस्म का सबस्टांस भरा होता है विच इज़ एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज।
तो सब्सटेंस को एक्टिवेट करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जनरली थ्री टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड इन फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स। आमतौर पे तीन तरह के फ्लैट पैनल डिस्प्लेज इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं जी। पहला है LCD। LCD से मुराद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें लिक्विड क्रिस्टल होता है जो डिस्प्ले का काम करता है। इसमें देखते हैं कैसे काम करता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कंसिस्ट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच लाइन अप इन अ वे दैट लाइटिंग बिहाइंड द स्क्रीन इज ब्लॉक्ड और अलाउड थ्रू टू क्रिएट एन इमेज। इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक खास तरीक़ाकार से लाइन अप होते हैं और वो स्क्रीन को लाइट प्रोवाइड करते हैं कि स्क्रीन के किस हिस्से से लाइट गो थ्रू होगी, अलाउड थ्रू होगी, और किन पार्ट्स पे उसको ब्लॉक कर लिया जाएगा, या किसी खास हिस्से में लाइट का कितना पार्ट या कितनी परसेंटेज जो है उसको अलाउ थ्रू करना है और बाकी परसेंटेज को रोक लेना है। इस तरह LCDs पे फ्रंट स्क्रीन पे आपको इमेजेस बने हुए दिखाई देते हैं या वीडियोस बनी हुई दिखाई देती हैं। इसका एक यहाँ पे इमेज होगा, ये जनरली इस शेप में LCDs आप देखते रहते हैं। ये स्पेस कम लेती हैं क्योंकि इसके बैक साइड पे CRT की तरह एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें डबल ग्लास लगा होता है और उसके दरम्यान में एक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। अब लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन के खास हिस्सों पे खास मिकदार में लाइट को अलाउ थ्रू करता है और उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे आपको इमेजेस बने हुए फॉर्म हुए नज़र आते हैं जी। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस में EL, इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले। EL contains a substance that glows when it is charged by electric current। इसमें भी डबल प्लेट में एक सब्सटेंस भरा होता है और उसका जो डिफरेंस है LCD के साथ वो ये है कि वो सब्सटेंस ग्लो करता है, चमकना शुरू कर देता है जब उस पर इलेक्ट्रिक करंट पड़ता है। LCD में क्या डिफरेंस था कि उसमें जो सब्सटेंस होता है लिक्विड क्रिस्टल, उसका जो लिक्विड क्रिस्टल है वो लाइट को कंट्रोल कर रहा होता है कि उसमें से मतलब उस लिक्विड क्रिस्टल में से कितनी लाइट आगे जा सकती है लाइटिंग और कितनी लाइट रोकनी है, ये उसका प्रोसेस है। जबकि EL में क्या होता है, इस पे जब इलेक्ट्रिक करंट पड़ता है तो ये सब्सटेंस बजाते खुद ग्लो करना शुरू कर देता है। तो इसको एक खास सिस्टम से, एक खास चिप से कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा पार्ट कितना ग्लो करवाना है और कितना नहीं करवाना, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्क्रीन पे उसके इमेजेस बने हुए दिखाई देते हैं। ये इसकी एक शेप है, अगर आप इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा गौर से देखें तो इसकी लाइट LCD से ज़्यादा ग्लो कर रही है क्योंकि इसके अंदर जो सब्सटेंस है उसका प्रोसेस लाइट को उसमें से गुजारना नहीं है, इसका प्रोसेस है कि लाइट को अपने अंदर कैच करके खुद ग्लो करना। तो चिप के ज़रिए वो लाइट की क्वांटिटी कंट्रोल की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी कंट्रोल की जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे फ्रंट साइड पे आपको डिफरेंट कलर्स या इमेजेस बने हुए दिखाई देते हैं जी। तीसरा, हमने थ्री टाइप्स कही थी, एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया, एक EL और एक गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले लाइक अ नियॉन बल्ब इन विच द डिस्प्ले यूजेज अ गैस दैट एमिट्स लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले एक नियॉन बल्ब की तरह ही काम करता है जिसमें जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू होता है या प्रेजेंट होता है तो वो गैस जो है लाइट एमिट करती है। अब इसमें डिफरेंस देख लें, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि LCD जो है, LCD में जो सब्सटेंस है लिक्विड क्रिस्टल, उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पहुँचता है तो वो उसको कंट्रोल करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट आगे दिखाई देगा मतलब लाइट की सूरत में और कितना रोक लिया जाएगा। और EL में क्या था कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट उस तक पहुंचाते हैं तो उसका अपना जो सब्सटेंस होता है वो ग्लो करता है और मुख्तलिफ कलर्स बनाता है। गैस प्लाज्मा में ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट
यहाँ तक पहुँचता है गैस प्लाज्मा तक, तो गैस जो प्लाज्मा है वो खुद ब खुद लाइट एमिट करती है, उसमें से फिर लाइट निकलती है। जैसे आप एक ख़ास कोई बल्ब देखते हैं, जब उस तक इलेक्ट्रिक करंट पहुँचता है तो वो उसके अंदर एक ख़ास गैस भरी होती है, वो लाइट अप हो जाती है। गैस जो है बजाते खुद लाइट एमिट करना शुरू कर देती है। तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले भी ऐसे ही काम करते हैं। ये इसकी शेप एक है, अगर आप देखें तो आपको एलसीडी और ईएल और गैस प्लाज्मा में ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनमें प्लेट्स ही होती हैं और डिफरेंट मटेरियल भरे हुए हैं, सब्सटेंसेस भरे हुए हैं, लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो डिफरेंस होती है, वर्किंग में इसका डिफरेंस होता है। तो एलसीडी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ईएल उससे कम, और गैस प्लाज्मा ये इसकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन ये कॉस्टली पड़ती है, इसलिए एलसीडी की निस्बत गैस प्लाज्मा कम इस्तेमाल होती है। जी नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। डिस्प्ले स्क्रीन की जो टाइप्स थी वो कंप्लीट हो गई, थ्री टाइप्स हैं थी। अब है आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स। प्रिंटर्स आपको टेंजिबल प्रिंट्स देते हैं, टेंजिबल कॉपी देते हैं, जिसको हम सिंपली हार्ड कॉपी भी कहते हैं। ऐसी कॉपीज जिनको आप टच कर सकते हैं, फिजिकली इन कांटेक्ट आ सकते हैं। प्रिंटर्स के ज़रिए हम ऐसे प्रिंट्स लेते हैं। प्रिंटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स ऑन पेपर। प्रिंटर्स के ज़रिए हम पेपर पे कैरेक्टर्स, सिंबल्स या मुख्तलिफ तस्वीर, ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसके दो कैटेगरीज जनरली बनाई जाती हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट का आपको वानी मालूम होना चाहिए, मतलब ऐसी ऐसा इफेक्ट जो असरअंदाज हो रहा हो, इम्पैक्ट आ रहा हो, और नॉन इम्पैक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट पे असर ना दे रहा हो। तो इसके अभी हम डिटेल देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने इसकी पार्टीशन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के नाम से क्यों की है। हम पहले देखते हैं, ये इसके चंद टाइप्स हैं, शेप्स बनी हुई हैं प्रिंटर्स की मुख्तलिफ तरह की। फर्दर देखते हैं पहली कैटेगरी, आउटपुट डिवाइस में इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दीज प्रिंटर्स फॉर्म करेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म सच एज अ प्रिंट हैमर और व्हील अगेंस्ट एन इंक ड्रिबन लीविंग एन इमेज ऑन पेपर। जी इम्पैक्ट के हिसाब से आपने अगर देखे तो इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि ऐसा मैकेनिज्म होता है जो स्ट्राइक कर रहा होता है पेपर पे, पेपर के साथ इन कॉन्टैक्ट आ रहा है, इसलिए उसको इम्पैक्ट कहते हैं। और वो इन कांटेक्ट कैसे आता है, उस पर कोई प्रिंट हैमर बना होता है या व्हील होता है जो इंक्ड रिबन के ऊपर हिट होता है, इंक रिबन के ऊपर उसको हिट करते हैं किसी भी की को प्रेस करने से, और उसके अगेंस्ट रिबन जो है वो पेपर पे कैरेक्टर, सिंबल या ग्राफिक या इमेज प्रिंट करना शुरू कर देता है। इसके हम कुछ टाइप्स देखते हैं। फ्यू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर डिस्कस्ड हियर। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको देखते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट कंटेन्स अ प्रिंट हेड ऑफ स्मॉल पिन्स। इसमें स्मॉल पिन्स होती हैं जो प्रिंट हेड के साथ अटैच होती हैं, विच स्ट्राइक एन इंक रिबन अगेंस्ट पेपर। पेपर के आगे एक स्ट्रेट रिबन बना होता है और ये पिन्स जो होती हैं, जो प्रिंट हेड की पिन्स हैं, ये उस रिबन के ऊपर हिट होती हैं, उसके अगेंस्ट, चूँकि उसके आगे पेपर अटैच किया होता है तो उसके ऊपर उसकी शेप, वो उस पिन की शेप या उसका सिंबल या इमेज बनना शुरू हो जाता है। फॉर्मिंग करेक्टर्स और इमेजेस। प्रिंट हेड्स आर अवेलेबल विद 9, 18 और 24 पिन्स। इसकी जनरल टाइप्स बताई हुई हैं जिनमें 9 पिन्स हो सकती हैं, 18 हो सकती हैं और 24 पिन्स हो सकती हैं, जो अपने सामने लगे हुए रिबन पे हिट होती हैं और वो रिबन इंक्ड होता है, उसमें स्याही होती है और उसके अगली तरफ पेपर अटैच किया होता है जिस पे वो उस पिन के अकॉर्डिंगली वैसी ही शेप ड्रा हो रही होती है, प्रिंट हो रही होती है। ये इसकी एक शेप यहाँ पे दिखाई गई है, अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के शेप्स बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं जैसे जैसे ये इसमें से गुजर रहा है। इसके इनसाइड यहाँ पे एक इंक रिबन है जिसके ऊपर पेपर
पिन्स स्ट्राइक कर रही हैं और उनके स्ट्राइकिंग की वजह से पेपर पे उस रिबन के अगेंस्ट उस शेप में पिक्चर या डॉट्स ड्रा हो रहे हैं। तो इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसीलिए है क्योंकि वो स्मॉल पिन्स होती हैं, वो डॉट्स ड्रा कर रही होती हैं और वो मिलके कोई कैरेक्टर इमेज या ग्राफिक फॉर्म कर रही होती हैं। ये पहली टाइप थी इंपैक्ट प्रिंटर की। आगे देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस चल रहा है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर भी इंपैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है। इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। दिस प्रिंटर यूजेज अ मैकेनिज्म इन द शेप ऑफ सीरीज ऑफ पेटल्स अरेंज्ड ऑन अ पेटल व्हील हैविंग अ करेक्टर एट द एंड ऑफ ईच पेटल। एक व्हील बना होता है और उस पर पेटल मतलब लंबी लंबी सलाखें टाइप लगी होती हैं, उनके एंड पे करेक्टर बने होते हैं हार्ड शेप में, डाई की सूरत में करेक्टर्स लगे होते हैं। अ करेक्टर कम्स इनटू अ प्रिंट पोजीशन बाय व्हील रोटेशन एंड एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय द हैमर स्ट्राइक ऑन द डिजायर्ड करेक्टर। अब जिस करेक्टर को आप टाइप करते हैं वो चूंकि व्हील की सूरत में है तो करेक्टर को टाइप करने से वो व्हील पहले रोटेट होता है और वो करेक्टर फ्रंट पे आ जाता है जिसको आपने टाइप करना है, और उसके बाद वो स्ट्राइक करता है और उसका इमेज जो है वो पेपर पे बन जाता है। इट इज़ स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स बट बेटर इन क्वालिटी। इट इज़ स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बट बेटर इन क्वालिटी। स्पीड के लिहाज से ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से स्लो है लेकिन इसकी क्वालिटी उसके निस्बत बेहतर होती है। इसकी शेप देखते हैं। ये देखें, ये एक व्हील बना हुआ है और इस व्हील के आगे ये पैटर्न्स बनी हुई हैं और उनके आगे ये करेक्टर्स हार्ड शेप में बने हुए हैं। अब जब आप कोई लेटर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जब उसको कीबोर्ड से प्रिंट करते हैं तो पहले ये पूरा व्हील रोटेट होता है। अगर तो वो करेक्टर सामने ही है तो वो वहीं से स्ट्राइक कर जाएगा, अदरवाइज पहले ये व्हील रोटेट होके डिजायर्ड करेक्टर सामने लेके आएगा और फिर उसको स्क्रीन पे यानी पेपर पे स्ट्राइक करके प्रिंट करेगा। ये इसकी एक और शेप है। ये डेजी व्हील इसके अंदर अटैच होता है और जैसे जैसे आप टाइप करते हैं वो या प्रिंट देते हैं तो ये रोटेट हो के वैसे वैसे स्क्रीन पे उसको प्रिंट करता रहता है। ये दूसरी टाइप थी इंपैक्ट प्रिंटर की। तीसरी टाइप देखते हैं जी, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये लाइन प्रिंट करता है। एक अभी जो हमने देखे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील वो वन करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट कर रहे थे, सिंगल स्ट्राइक हो रहा था उनसे। वो सिंगल स्ट्राइक करने के बाद पूरी लाइन प्रिंट करते हैं फिर नेक्स्ट लाइन प्रिंट करते हैं, या इमेज है तो वो भी इसी तरीकाकार से पहले एक लाइन का जितना हिस्सा है वो प्रिंट होगा फिर दूसरी लाइन का जितना हिस्सा है वो प्रिंट होगा, जबकि लाइन प्रिंटर में कंप्लीट लाइन एट द सेम टाइम प्रिंट हो जाती है। इसको देखते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर इज नॉर्मली यूज बाय मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या आता है। इट प्रिंट्स अ होल लाइन ऑफ करेक्टर्स एट वंस रादर देन अ सिंगल करेक्टर एट अ टाइम। जी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये मुकम्मल एक लाइन जो है उसको एक ही वक्त में प्रिंट कर देते हैं, इसकी निस्बत के उस लाइन का एक एक करेक्टर जो है एक वक्त में प्रिंट किया जाए। यानी अगर एक लाइन में फर्ज करें 50 करेक्टर्स आ रहे हैं तो ये लाइन प्रिंटर उन 50 करेक्टर्स को एक ही वक्त में प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देगा। सम ऑफ दीज कैन प्रिंट अप टू 3000 लाइंस पर मिनट। लाइन प्रिंटर्स में कुछ प्रिंटर्स ऐसे भी हैं जो 3000 लाइनें फी मिनट प्रिंट कर लेते हैं। तो इसके लिए चूंकि 3000 लाइन एक पेपर पे नहीं आती तो इनकी पेपर की टाइप भी डिफरेंट होती है। वो अटैच्ड पेपर होता है जस्ट लाइक सीक्वेंस, एक पूरी तरतीब बनी होती है, पूरा पेपर कहीं पे कटिंग नहीं होता, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक इकट्ठा जुड़ा होता है और उस पर डायरेक्ट टाइपिंग होती रहती है, प्रिंटिंग होती रहती है। इसकी शेप देखते हैं हम कोई जी। पहले इसकी दो टाइप्स भी बताई हुई हैं। लाइन प्रिंटर में दो टाइप्स हैं, एक चेन प्रिंटर है और एक बैंड प्रिंटर है।
चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, इसकी शेप्स आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये एक प्रिंटर है, जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसमें पेपर कटिंग में नहीं होता, ये पूरा एक इकट्ठा पेपर अटैच है जो कटिंग कहीं से भी नहीं है, और इसको डायरेक्ट लाइन प्रिंटर में अटैच कर दिया है। और ये लाइन प्रिंटर मुकम्मल लाइन एक ही वक्त में प्रिंट किए जा रहा है, और साथ साथ पेपर इधर से इनपुट हो रहा है और आगे से आउटपुट पेपर प्रिंट साथ साथ आया जा रहा है। ये एक और इसकी शेप है लाइन प्रिंटर की, और ये भी। अब अगर आप इनमें देखें तो इसमें पेपर का डिफरेंस है कि पेपर जो है वो कटिंग में नहीं है, कंप्लीट इकट्ठा एक पेपर लॉन्ग शेप में उसमें अटैच है। जैसे जैसे प्रिंटिंग होती रहती है वैसे वैसे पूरी लाइन साथ साथ प्रिंट करता रहता है। अब देखना, 3,000 लाइनें 1 मिनट में अगर प्रिंट करनी है, तो अगर आप एक स्टैंडर्ड पेपर लगाएंगे तो उस पर मैक्सिमम 40 या 50 लाइंस आएंगी, उसके बाद प्रिंटर रुक जाएगा। इसलिए इसके पेपर की शेप भी डिफरेंट होती है, और इसकी स्पीड बाकी इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा तेज़ होती है, और ये कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहता है जब तक पेपर कंप्लीट आउट नहीं आ जाते, या जब तक आपका गिवन टास्क मुकम्मल नहीं हो जाता। ये लाइन प्रिंटर की टाइप हो गई जी स्टूडेंट्स। आज के लिए इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 टाइप्स थी, वो हमने कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और उसके आगे फर्दर टाइप्स देखेंगे उसकी। आज के लेक्चर से मुतलिक आपने कुछ पूछना है, सवालात करने हैं, तो आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, आप उस पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइज, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।